एग्जीबिशन चल रही है, तो उसके बारे में हम आपको थोड़ा सा गाइड करेंगे और बताएंगे लोगों का इंटरेस्ट है वो यहाँ आ सकते हैं और आगे भी कर सकते हैं। जी सामने ज़्यादा ही बैठी था सर। बेसिकली सर इधर लगा हुआ है बिनाले, ठीक है। पहले मैं बता दूँ ये म्यूज़ियम का पुराना हिस्सा जो है ना, इसको बोला जाता है टोलिंगटन, टोलिंगटन मार्केट के नाम से ये मशहूर है जगह। और बेसिकली अब ये एनसी के पास आ गए, इधर एग्जीबिशन लगी हुई है, अभी भी म्यूज़ियम ही कहा जाता है इस वजह से। अब ये जो आप काम देख रहे हैं सारा, ये बार बार वाकर का काम है। ये यूके बेस्ड आर्टिस्ट हैं, ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, ठीक है। उन्होंने वर्ल्ड वार वन के जो आर्काइव थे ना, उनमें से चंद एक आर्काइव निकाले हैं जो उनको पता थे, जो ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन थे। यहाँ पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि हमारे पास हिस्ट्री इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम बाकियों को भी बता सकें। है तो सही, जैसे हमें हमारे लेजेंड के बारे में पता था, उनको उनके लेजेंड के बारे में पता, पर इतना नहीं पता कि लाइफ सारों को बता सकते जिनके बारे में उनको तफसीलन पता था, उन्होंने ये बताया। उसके बाद यहाँ पे है जॉन अथम्फ्रम, ये भी यूके बेस्ड आर्टिस्ट है, फिल्मेकर आर्टिस्ट। उन्होंने बात की है ब्लैक पीपल्स की, वर्ल्ड वार वन के बाद ब्लैक पीपल्स के साथ कैसा फिल्म लेकर भैया उनके पहले फिल्म बताया कि पूरी दुनिया ने उनके साथ कैसा कैसा सलूक किया है, और हमेशा उनको नीचे से तबके पर रखा गया ताकि वो ऊपर ना आ सके। सारे जो करेक्टर्स हैं ये वर्ल्ड वार वन के हैं, वर्ल्ड वार वन के, ठीक है। और ये अफ्रीकन अमेरिकन है, अफ्रीकन अमेरिकन है, ओके, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त, थैंक यू अली।